केमिस्ट्री अ बिट लेंदी। नहीं बाहर तो नहीं थे, वो अपनी गलती होती। 640 बॉटनी और जियोलॉजी में से क्या इजी लग रहा है? जस्ट अ फ्यू मिनट्स आर अवेटेड। कैंडिडेट जो है जस्ट पेपर खत्म हो चुका है, दे आर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। आई रियली विश कि उनका पेपर अच्छा गया हो, बट यू ऑल नो कि जो चीज़ होनी होती है ऑलरेडी हो जाती है। जो बच्चे आ रहे हैं चलिए उनसे बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है, लेट्स फाइंड आउट देयर रिएक्शन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 170 क्वेश्चन। कैसा लगा? थोड़ा सही लगा, ठीक था। चेहरे के स्माइल बता रही है कि जो पढ़े थे लगता है वैसा ही आ गया। वैसा ही था, वैसा ही आया। अच्छा अगर मैं बात करूं सबसे इजी कौन सा सेक्शन रहा चारों में से, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी? सब ठीक था, सब ठीक, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल सर। कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? नहीं बता सकते। एनी ड्रीम कॉलेज? एम्स। ओके ऑल द बेस्ट। कैसा रहा सेट ऑफ क्वेश्चन? ठीक था मजा आया ओवरऑल? कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। कैसा था सेट ऑफ क्वेश्चंस? कैसे थे? लेंदी। कितने अटेम्प्ट करता है वैसे? 550 मार्क्स से किए। अच्छा सबसे टफ पार्ट क्या लगा? टफ नहीं, लेंदी था। लेंदी, ओके। एंड हाउ इज योर पेपर? इतना पेपर इजी था, बायोलॉजी बहुत इजी। अरे वाह, तब तो ये तो फेवर में हो गया होगा पेपर। मतलब इतना भी इजी नहीं था, मतलब बहुत है। बोलता था एमएनसी वाला क्या बोलता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, इतना ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बहुत ही, मतलब ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस मिले, मतलब बोलता वन वर्ड वाला आंसर होता है। हां वही फैक्चुअल क्वेश्चंस मिले। फिजिक्स केमिस्ट्री में फैक्चुअल रहा? फिजिक्स केमिस्ट्री में आउट ऑफ 25 इजी क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन रख सकते हैं, मतलब कि कुछ मॉडल था। और केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऑप्शन इस बार चेंज किया पैटर्न, लेकिन पेपर इजी था उसमें। क्या पैटर्न, क्या चेंज किया? पैटर्न इसमें ऑप्शन सब दिया हुआ है ना। अच्छा, चुनने का स्टेटमेंट कितना है? And what's the hope of getting marks? 640 Great. I wish kuch se zyada hi aaye. All the best. Okay, thank you. How's the paper? It was good. Questions ka set kaisa laga? अच्छा था, बायो थोड़ा इजी था, फिजिक्स और केमिस्ट्री मॉडरेट था। अच्छा, बायो इजी हो गया तो काफी फेवर में हो गया होगा क्वेश्चन। अच्छा बॉटनी और जियोलॉजी में से क्या इजी लग रहा था? जियोलॉजी मेरे लिए ज्यादा। हाँ। And botany? बॉटनी इजी था, मतलब एग्जांपल्स ही सबसे डिफिकल्ट होता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा हुआ करते थे बायोलॉजी में? नहीं इस बार उतना ज्यादा नहीं है, मतलब फैक्चुअल। हाँ। फैक्चुअल्स रहा। फिजिक्स और केमिस्ट्री फैक्चुअल रहा या फिर कुछ क्वेश्चंस रहे? फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल कम था इस बार। न्यूमेरिकल कम था। कितने मार्क्स की होप है? अभी कुछ नहीं, बस देखिए। अच्छा अभी तक एक्यूरेसी कितने अटेम्प्ट रहे? नीट में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है इसलिए पढ़ना है फोकस प्लस डिटर्मिनेशन प्लस डेडिकेशन विद गुड स्ट्रेटजी के साथ। पीडब्ल्यू लाया है आपके लिए यकीन 2.0 एंड अनदर नीट यूजी बैचेस। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी आज से और अभी से। तो सबसे जरूरी है गुड स्ट्रेटजिकल शेड्यूल और अपने टारगेट पर पूरा फोकस। पीडब्ल्यू इज ऑफरिंग यकीन 2.0 नीट 2025 बैच फॉर ड्रॉपर्स एट द रेट ऑफ 4800 रुपीज, लक्ष्य नीट 2025 फॉर 12th क्लास एट द रेट 4800 रुपीज, अर्जुना नीट 2025 फॉर क्लास 11th एट द रेट 4800 रुपीज, यकीन नीट 2025 फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट एट द रेट 4800 रुपीज, अर्जुना नीट हिंदी 2025 11th क्लास के लिए एट द रेट 3000 रुपीज, लक्ष्य नीट हिंदी 2025 फॉर 12th क्लास एट द रेट 3000 रुपीज, यकीन नीट हिंदी 2025 फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट एट द रेट 3000 रुपीज। इन सारे बैचेस में मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, जो बनाएगा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी में परफेक्ट। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद वीडियो सॉल्यूशन क्विज फॉर्मेट, पीडीएफ नोट ऑफ ईच क्लास विल बी अपलोडेड ऑन पीडब्ल्यू ऐप, शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर, सो व्हाई टू वेट। पीडब्ल्यू के सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है एंड यूज कूपन कोड PTN150 फॉर अ मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पर भी ऑफर चल रहा है, यू कैन चेक आउट देयर ऑन पीडब्ल्यू स्टोर। मतलब मीडियम था, डिफिकल्ट उतना नहीं था। अच्छा अच्छा। हां और जो पढ़ा होगा प्रैक्टिस किया होगा फिजिक्स का क्वेश्चन उसका बहुत अच्छा गया होगा। फिजिक्स का ही था एक्चुअल में थोड़ा डिफिकल्ट। केमिस्ट्री बहुत इजी था। बायो रटने वाला था, तो पूरा जो एनसीईआरटी पढ़ा हुआ होगा उसका पूरा अच्छा चला जाएगा। 3 घंटा एंजॉय किए पूरा पेपर? हाँ। टाइम थोड़ा कम लगा या फिर लगा गया? नहीं अच्छा ओके था, मेरा पूरा टाइम चला गया, लेकिन मतलब पेपर पूरा हो गया, ऐसा नहीं था कि बाद में मुझे रिग्रेट हो रहा था। ग्रेट। पहले मैंने बायो किया, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिर फिजिक्स किया, तो उस हिसाब से मेरा टाइम मैनेज हो गया। मैनेज हो गया ना, ओके। तो चारों सेक्शन में से लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जियोलॉजी में सबसे ईजी क्या लगा? सबसे ईजी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एंड सबसे टफ बॉटनी एंड फिजिक्स। बॉटनी एंड फिजिक्स जियोलॉजी भी थोड़ा सा ईजी था कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू बॉटनी, बट फिजिक्स और बॉटनी थोड़ा सा डिफिकल्ट था। कितने मार्क्स की होप चल रही है? वो तो रिजल्ट से ही पता चलेगा, हो तो कितना भी रखेंगे तो वो तो एनटीए डिसाइड करता है। ओके एवेस के ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बढ़िया था मजा आया। हां कितने मार्क्स के बनाए? 640 विथ एक्यूरेसी। हां
दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा रहा पेपर तब। क्वेश्चन सबसे इजी क्या लगा? सारा इजी ही था। अरे वाह, बस एक फिजिक्स का क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था। अच्छा, बाकी सब एनसीईआरटी बेस्ड ही दिखे? हाँ, बाकी सब एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में था, जैसे सिलेबस रिड्यूस हुआ तो उसमें ना हटा दिया गया था। अच्छा अच्छा, डीके वाला, तो डीके का क्वेश्चन आ गया था। अच्छा, रोटेशन वगैरह से कुछ क्वेश्चन दिखा नहीं जो सबसे ज्यादा टफ हुआ करता था फिजिक्स में? उससे इजी था, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया था रॉड का, उसका निकालना था। अच्छा वो, एंड व्हाट अबाउट बायोलॉजी? जिसमें बायोलॉजी सबसे इजी था। सबसे इजी? हां, तब तो काफी पेपर फेवर कर रहा होगा। हां, अरे वाह। एनी ड्रीम कॉलेज? नहीं, बस बिहार में पटना मिल जाए। अच्छा, लाइक पीएमसीएच या एम्स पटना या फिर आईजीएमएस, यही सारी है ना? हाँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्वेश्चन का जो, मैं तो R3 था। ओके, फिजिक्स का थोड़ा जो पार्ट था वो मेरे को लगा लेंदी टाइप का। अच्छा, फिजिक्स का? हाँ। अच्छा, व्हाट मेक्स फिजिक्स लेंदी? स्टेटमेंट ज्यादा है क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट नहीं, प्रोसेस मतलब जो था। अच्छा, बस सॉल्व करने का जो तरीका था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। हाँ, थोड़ा ज़्यादा था पिछले बार से, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड, थोड़ा सा। ओके, एंड व्हाट अबाउट बॉटनी? बॉटनी बॉटनी और जूलॉजी दोनों, बायो इस बार बहुत इजी था। बहुत इजी, तब तो काफ़ी फेवर कर रहा होगा पेपर आपको। हाँ, बायो इजी था तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। 3 घंटे सफिशियंट लगे या फिर लगा कि थोड़ा सा कम है टाइम? थोड़ा नहीं, नहीं, कम नहीं, सफिशियंट लगा, मतलब एकदम ठीक था। विद थोड़ा सा हार्ड टाइम लगा पर मैनेज हो गया था लास्ट में। सारे एनसीईआरटी बेस्ड रहा या कुछ उसके अलावा भी रहा? नहीं, कुछ कुछ था क्वेश्चन जो लगा मेरे को, क्योंकि सोचता पढ़े नहीं होंगे। ज़्यादातर किससे? केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री ज़्यादातर एनसीईआरटी के बाहर लगा कि थोड़ा तो बाहर है। ओके ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए विथ एक्यूरेसी? 150 के अराउंड। 150, एंड व्हाट्स द होप ऑफ गेटिंग मार्क्स? अराउंड 600, अराउंड 650 के बीच। ओके, एवरेज कुछ ज़्यादा ही है। ऑल द बेस्ट। बढ़िया, कितने बनाए? अराउंड 550। ओके, सबसे इजी क्या लगा? बायो। बायो, अरे वाह। एंड व्हाट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाज टफ। टफ, अच्छा, ज्यादा क्या फिजिक्स टफ था या ज्यादा केमिस्ट्री? फॉर मी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चंस लगे? नहीं, बाहर तो नहीं थे, वो अपनी गलती होती है, वो तो बाहर से कुछ नहीं आते, वो मानना चाहिए अपनी गलती होती है। यस, दैट्स कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, आई विश की मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पेपर अच्छा था। अच्छा, क्वेश्चन सबसे टफ क्या लगे, मतलब किस सेक्शन वाले, कौन सा सेक्शन? केमिस्ट्री अ बिट लेंदी। एनसीईआरटी बाहर? नहीं नहीं, एनसीईआरटी बाहर नहीं था, बट मेरे को लेंदी लगा। अच्छा, स्टेटमेंट वाइज ज्यादा था क्या उसमें? वो तो पूरा पेपर फिजिक्स में इस बार स्टेटमेंट था, बायोलॉजी भी। हाँ, बायो तो था ही, हर साल रहता है, लेकिन इस साल फिजिक्स भी स्टेटमेंट। अरे वाह, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। सो दिस वॉज द अपडेट अबाउट नीट 2024 पेपर। यार, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है कि जो जिस बच्चे ने बोला कि मैंने का ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और मैंने सब कर लिया, बना लिया, बट फील करने के लिए थोड़ा सा टाइम कम हो गया। आई रियली विश, और आप सब भी ये दुआ करो उसके लिए कि वो अपने लाइफ में आगे बहुत अच्छा करे। बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, देखते रहिए पटना लाइट। एंड हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो पटना लाइट को आप सब्सक्राइब जरूर करना।